नमो अरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं एसो पंचन मुकारो सब पावप्पणासनो मंगलानं जस्बेसिं परमं भवै मंगलं। अनंतुकारी परमात्मा के शासन के अंदर बस अभी पर्युषण भी नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारी एक विनंती है कि आप ये जो एक आयुर्वेदिक किट बनाया हुआ है श्री जयंती भाई सावला जी ने, आप उनसे ये कीट खरीद कर अपने घर में रखिए। इससे जो भी तपस्वी है आपके आजू बाजू में, या तो पूज्य साधु साधु जी भगवंत है महाराज साहब आपके आजू बाजू में पर्युषण में विराजमान है, या तो कभी भी चातुर्मास दरम्यान आपके घर में ये कीट रहेगी तो आप उनकी भक्ति का लाभ ले सकते हैं। इतना अद्भुत कीट बनाया है और इतनी अच्छी इसके अंदर औषधि है। हमारे वहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि सरल होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता, ऐसा नहीं है, सरल भी श्रेष्ठ हो सकता है। बहुत बड़े मशीन, बहुत महंगी दवाइयाँ और बहुत सारा खर्च करेंगे तो ही हमको एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है मन में कि इससे हमको ठीक होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ हैं जो एक कीट के रूप में बनाया है। सबसे पहले ये एक पिपरी मूल है जो खाने के बाद में 2 चम्मच घी और गुड़ के साथ आपको लेना है, या दूध में डाल के भी ले सकते हैं घी के साथ, लेकिन इतना तेजस्वी है ये, ओरिजिनल है ये पिपरीमूल, जिन्हें आपने गुजराती में गंठोड़ा कहिए छे, ये मंदाग्निमा भोजन पाचन के अंदर वर्टिगो में बहुत ही उपयोगी है। अनिद्रा होती है, चक्कर आता है, मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन वगैरह में बहुत काम देता है ये। संधिवात उदर रोग और वात रोग में ये चमत्कारी काम आता है। पहले आधे चम्मच से शुरू करो, बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ खाना खाने के बाद में, क्योंकि दीपन पाचन द्रव्य है, खाना खाने के बाद में लेंगे तो बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होगा, और शाम को लेंगे दूध के साथ को आपको नींद भी अच्छी आएगी। ये शुद्ध कोपरेल तेल है, बाहर का जो तेल मिलता है ना वो उसमें सब केमिकल्स डालते हैं, ये प्योर ओरिजिनल कोपरा का बना हुआ है। ये पाँव के तलवे में घिसना है, 5 बूंद इसको नाभि में भी लगाना है, रात को सोते समय 5 बूंद नाभि में डाल के 10-15-20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घिसेंगे। इसका इतना इम्पैक्ट आता है जोरदार कि जिनका आँख सूखती है, आँख में नस जो सूखती है उसमें बहुत फायदा करता है। शरीर की गर्मी को ये कम करता है और खरते बाल को भी वो अटका देता है। ये शुद्ध कोपरेल तेल है ना, वो उसका सुगंध आता है लेकिन चिकास नहीं पकड़ता है। ये शुद्ध कोपरेल तेल की पहचान है। बहुत सारे महात्मा ने इसका उपयोग किया है और बहुत संतुष्ट हुए हैं, इससे मच्छर भी नहीं काटते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन ये जरूर से शुद्ध कोपरेल तेल हमें हमारे घर में बसाना चाहिए। पूज्य साधु साधु जी भगवान को रात के टाइम प्रतिक्रमण के बाद आप ये उनके पाँव में भी घिस सकते हैं और नाभि में घिसना चाहिए, नाभि में डालना चाहिए। ये गलोत्सव है, प्रबाल तिष्ठी, तपस्या वगैरह करते हैं तो पित्त हो जाता है, तो 1 चपटी खाने के बाद ये लेंगे, अथवा तो 2 चुटकी जब एसिडिटी होती है तब आप ले लेंगे तो आपकी एसिडिटी पित्त कम हो जाएगा। शरीर में ये जलन कम करती है और आयम्बेल में भी ये वापर सकते हैं आप, आयम्बेल के टाइम में भी ये, क्योंकि इसके अंदर 3 भाग गलोत्सव है, प्रवाल पिस्ती है और 1 भाग प्रवाल पिस्ती है, जो विटामिन सी की हमें कमी रहती है तो वो अनहारी नहीं है ये, लेकिन जब आप आयम्बेल करते हो या तो एकासना करते हो या तो छुटा है आपका, तभी एसिडिटी और पित्त के लिए ये श्रेष्ठ दवाई है। ये शुद्ध कोपरेल तेल है जिसमें बरास मिलाया गया है और 1-2 द्रव्य ऐसे है कि आपको ये चिकास नहीं करेंगे और 4 से 6 कलाक तक आपको मच्छर भी नहीं काटेगा ये तेल लगाया होगा तो। स्किन के जितने प्रॉब्लम हैं ये शरीर पे लगाना है, खाज खुजली या चमड़ी के जो भी रोग है ये इससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मच्छर भी नहीं काटेंगे मैंने जैसा कहा, और खाज खुजली वगैरह सब रोगों में ये उपयोगी है। ये लगा के 15-20 मिनट के बाद में आप स्नान कर सकते हैं, रात को भी लगाएंगे और सुबह स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सरसों का तेल है,
हींग अजवाइन युक्त सुआ है इसके अंदर। इस शरीर में जहां पे भी दर्द है वहां ये लगाना है, दांत दुखना, दांत हिलना, पायोरिया वगैरह टाइम मुंह में लगा सकते हैं। और इसको नाभि में भी डालेंगे तो दांत वगैरह ठीक हो जाएगा। नाभि में डालने से शरीर में जहां पे भी दुखावा होगा वो दुखावा मिट जाता है, दांत के दर्द को एकदम तुरंत दूर करता है। जिधर अपने को पेन होता है हाथ में, जॉइंट्स में, पाँव में, घुटन में, वहाँ पे भी ये तेल लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका इम्पैक्ट है। सरसों का तेल है इसके अंदर। कटी सूल धीचण न दुखाओ, परखानो दुखाओ, करोड़रजुनो, कमरनो, एड़ीनो, समग्र सांधानो, एक नाभि में डालेंगे और ये सब रोग के ऊपर ये काम करेगा। कितनी बड़ी ताकत है देखिए। ये है दंत मंजन, श्रेष्ठ दंत मंजन है। और ये आईमेल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये लगाने के बाद में अब इसको अंदर उतार देंगे, महाराज साहब वगैरह पलटवते नहीं है तो ये महाराज साहब को रोहराने के लिए भी आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इसके अंदर सिंधालून, सूंठ, काला मिरी, फिटकरी, घोड़ावज राख, मतलब अड़ाया छान की राख है, काटाड़ू माया, इससे दांत के सभी प्रकार के जो रोग है, ये जो बड़ी अंगुली है ना उससे हाथ में पाउडर लेने का, और बड़ी अंगुली पहले ऊपर की लास्ट दाँड में, फिर यहाँ की लास्ट दाँड में, फिर नीचे की लास्ट दाँड में, फिर अंदर की राइट साइड की लास्ट, फिर ऐसा आजू बाजू में घिसने का, तो ये इतना बढ़िया काम आता है। और सबसे बड़ा मुख की ये शुद्धि हो जाती है। और इसको पलटाने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब आप इसको पानी लेके पी सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं करेगा। ये सिर का औषधि युक्त तेल है, ये तलवे में लगाना है। इतना बढ़िया है कि इससे गहरी नींद आती है। इसके अंदर हरड़े, दड़, आमड़ा, बेड़ा, ब्राह्मी, नेत्रवाड़ो, कपूर काचली, मोथ, जटामासी, खस, चंदन वगैरह द्रव्य इसके अंदर डाले हुए हैं। हल्के हाथ से मस्तक पे भी मालिश कर सकते हैं। वात पित्त के कारण से जो सिर में दुखावा होता है ये इससे मिट जाता है, गहरी अच्छी नींद आएगी। बहुत बार चक्कर आता है और ज्ञान तंतु हमारे समझो के वीक हो गए हैं तो आ तेल बहुत काम आवशे। अने अकाले आपड़ा वाल सफ़ेद थी गए, हमारे बाल समझो व्हाइट हो गए तो ये फिर से काला हो जाता है, ये इसकी ताकत है। बाल में चमक आती है अने बाली अंदर खोड़ो थाय, कोदरो थाय, कोदरी वगैरह थाय तो ये मटी जाए, ये भी खत्म हो जाता है। शैम्पू में जो हम लोग वापरते हैं वो केमिकल वाला है और मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर विथ नॉन वेज आइटम्स लाइक विटामिन ए बी सी डी, जहाँ पर भी लिखा है तो सोच समझ के लेना है क्योंकि उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। लेकिन ये लेंगे वो शैम्पू से चमड़ी के रोग बढ़ते हैं तो ये तेल में कोई उसकी आड़ असर मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये तेल हर घर में बसाना चाहिए। कुछ साधु बप्पन को कभी पेन वगैरह होता है तो उनके माथे पे ये आप लगा देंगे तो तुरंत वो पेन में रिलीफ करेगा। आँखों की रोशनी बढ़ाने का ये तेल है, इतना बढ़िया है कि आप नाभि में लगाएंगे और आँख में से पिया सुबह बाहर निकल जाएगा अपने आप, इतनी इसकी अच्छी ताकत है। मतलब 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज तो चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं आप, और आँख की दृष्टि समझो वीक हो गई है तो उसमें ये फायदा करता है। आंखों की जो नस जिसमें सूखने से देखने में थोड़ा कुछ तकलीफ होता है तो ये तेल नाभि में लगाने से बहुत फायदा होता है। ये नाभि में लगाना है, आंख में नहीं लगाना है, इतना ख्याल रखिएगा। बहुत ही बढ़िया इसका इफेक्ट है। हम रोज इसका यूज़ करते हैं और चश्मे का नंबर नहीं आता है हमारे पास, इतनी इसकी बड़ी ताकत है। ये कान का बहरापन हटाओ तेल है, मतलब कान में सीटी वागे, कान में दुखे, बहरास आवी जती हुए तो आम बहुत उपयोगी तेल है एकदम। नाभि में इसका 5 बूंद लगाने का है और 15-20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कान में सूजन है, बहरापन है,
सुनने में तकलीफ है तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। ये तो उत्तम औषध है। यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी। हमारे प्रबोध भाई गोस्वामी जी के पास से ये हरडे वो खुद बनाते हैं, उनकी खुद की जो गाय है उसका गौमूत्र डाला हुआ है, गौमूत्र डाला हुआ हरडे अनाहारी है, वो रात को भी हम ले सकते हैं। हेड़ा बेड़ा आमला तीनों इक्वल प्रमाण में है तो वो भी अनाहारी बन जाता है। ये एक एरंड भ्रष्ट हरितकी है, इसमें गौमूत्र डाला हुआ है जिससे आप अनाहारी यूज में ले सकते हैं। और इसमें थोर थोर जो होता है कांटा वाला जो हाथिया थोर वगैरह है उसका दूध इसके अंदर डाला हुआ है, मतलब पका के अभी तो मतलब कच्चा नहीं है। तो ये सब रोग में ये लेंगे ना तो 205 रोग में आपको फायदा होता है। तो रोज आहार की माफिक, ये औषध नहीं है ये आहार है, इसका आदत नहीं है तो गिराने की जरूरत है। बोले आदत हो जाएगा तो फिर आप चिंता मत करो, ये हम रोटी दाल साग की कभी चिंता करते कि आदत हो जाएगी तो क्या, क्योंकि ये आहार है औषध नहीं है। गर्म पानी के साथ शाम को तीनों में से एक एक ले सकते हैं, या तो ये थोर वाला जो है वो एक लेना है, ये दो में से दो एक तीन और दो और एक तीन, ऐसा तीन तीन हरड़े लेना चाहिए। आप मानेंगे नहीं इतना फायदा इससे होता है, क्योंकि जितना भी जो ऊपर वायु चढ़ता है उसका ये अनुलोमन करता है। और शरीर के 72,000 तो मुख्य नाड़ी है और हर एक जगह से वो वात को निकाल देता है। जैसे सूंट के लिए लिखा है कि वात दलयंती, वायु ने दड़ी ने काढ़ी ना के, पित्त पिबंती पित्त को पी जाता है, कफ कलयंती कफ के साथ झगड़ा करके निकाल देते, ऐसा ये हरड़े में 6 में से 5 रस है, एक तीखो रस नहीं बाकी ना पांचे पांच रस आने अंदर, जबरदस्त इम्पैक्ट। कोई ना घरे जाओ तो चॉकलेट्स के कैडबरीज ले जावाने बदले आ हरडे लेने एम घरे राखी मूकी गई। नानभट्ट बापा वैद्य था, ये हरडे वाला वैद्य कहवा दादा, दरेक गामडानी बार एक नानकड़ी खोली में मोटी कोठी में ये हरडे राखता था। कोई गामनी बार थी अंदर आवे तो गामनी बार थी बाहर जाए तो ये हरडे लेने जाए, एक चपटी ले ले। ये लोगों कोई दिवस जिंदगी में एक भी रोग नहीं होते, इतनी बड़ी ताकत ये हरड़ पाउडर की है। कहाँ मिलेगी, कैसे लेना, कौन देगा, ये सब तैयार है आपके लिए। तो आप ये जयंती भाई का संपर्क करेंगे, मैं अभी नंबर देता हूँ, तो आपको ये सब चीज़ मिल जाए। ये एक त्रिकटु द्रव्य है, मतलब सूंठ काला मिरी और लिंडी पिपर, इसको सम भाग में लेंगे खाने के पहले तो जो सूखी खांसी और कफ वो मिटा देते हैं। मंदाग्नि जिनको भूख नहीं लगती है ये त्रिकटु थोड़ा ले लेंगे, घी के साथ थोड़ा लेंगे से अपने थोड़ा ऐसा भी ले लिया बिना घी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी के साथ एकदम घट चार टन करके आप खाने के पहले 10-12 मिनट पहले ले लेंगे, बाद में आप खाना खाएंगे अद्भुत फायदा होगा, खाना पचन हो जाएगा, भूख बराबर लगेगा। ये त्रिकटु द्रव्य भी इसके साथ में है। और एक ये तैयार काजह ऑयल है, इंस्टेंट पेन रिलीफ करता है, जो हेडेक बॉडी एक कोल्ड मस्कुलर पेन, अभी जो उपवास वगैरह करेंगे तपस्वी लोग हैं उनके लिए पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कीट आप अपने घर में बसा लो, पूरा का कुछ 1000 रुपीस के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, आपको कुरियर कर देंगे। आप इनको फ़ोन कीजिए 9869915296, श्री जयंती भाई सावला है इनका नाम, 9869915296 ये इनका नंबर है। आ नंबर ऊपर फ़ोन करीने आप हमने एड्रेस व्हाट्सअप करी देजो तो अपना घरे आ कुरियर में कीट आ जैसे आजूबाजू पूज्य साधु साधु जी भगवंतो तपस्वीओ एमनो उत्तम लाभ मळशे। हर एक के घर में ये किट होनी चाहिए, तपस्वी की हम अनुमोदना करने के लिए पारणा के लिए जाएंगे ये किट उनके घर में दे दो। इसके साथ पूरा मैंने जो बोला अभी तक वो सबका इसके अंदर विवरण भी है कि कौन सा तेल है, इसमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तो आपको ये पैम्पलेट इसके साथ मिलेगा और ये किट के अंदर ये पैम्पलेट रखा हुआ है और ये हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी, तो आप ज़रूर इसका उपयोग करें। बहुत ही मेहनत करके इतनी बड़ी उम्र में
इन्होंने बहुत रिसर्च किया और बहुत लोगों को संपर्क करके ये बहुत अच्छी एक समाज की सेवा के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। जयंती भाई की भी बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करता हूँ। हर एक घर में एक किट जरूर रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में अणी ना टाइम है मौके के भाई इतना काम में आएगा, उपयोग में आएगा। धन्यवाद। चिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी प्ररूपना हुई है तो मिच्छा में जुकड़ शरीर हमको इसलिए अच्छा रखना है कि साधना करनी है ये शरीर से आत्मकल्याण के लिए। बस द्रव्य आरोग्य से भाव आरोग्य तक हम चले जावे यही एक मंगल शुभकामना। धन्यवाद। प्रणाम। नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9869915296। थैंक यू। प्रणाम।